लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड इन मैन कैटेगरी पीटर इंग्लैंड आपके शहर सोलन में लाई है मेंस वियर में ऑल काइंड ऑफ शर्ट्स ट्राउजर जीन शूज सूट ब्लेजर्स एंड टाई एक्सेसरीज एंड मैनी मोर बाय टू गेट टू जैसी आकर्षक स्कीमों का फायदा उठाने के लिए आज ही विजिट करें पीटर इंग्लैंड अपोजिट विवांता मॉल द मॉल सोलन 7590000020 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में सोलन इकाई ने सांकेतिक भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। विद्यार्थी परिषद सोलन इकाई के अध्यक्ष शुभम राठौर ने बताया कि जब तक प्रदेश सरकार उनकी मांगे नहीं मानती हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शुभम राठौर सोलन महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष। पिछले 23 तारीख से 23 अगस्त से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सोलन इकाई के लोग धरना कर रहे हैं, प्रदेश सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। प्रदेश का जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर जो विषय बैठा है उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद के लोग रोज उग्र आंदोलन कर रहे हैं। 23 तारीख से विद्यार्थी परिषद की जो ये स्टेट कॉल है उसके अंतर्गत हम महाविद्यालय के अंदर सोलन महाविद्यालय के अंदर सोलन इकाई के लोग कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विषय के खिलाफ हमेशा प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इतना टाइम हो चुका है कि विद्यार्थी परिषद की जो मांग है उसको अनसुना किया जा रहा है। आज विद्यार्थी परिषद सोलन इकाई के जो कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता है जो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक इस कैंपस के अंदर काम करते हैं वो कार्यकर्ता आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सोलन महाविद्यालय में आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। आज 12 बजे से आज 26 अगस्त की 12 बजे से 27 अगस्त की 12 बजे तक 24 घंटे की जो ये सांकेतिक भूख हड़ताल है विद्यार्थी परिषद के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं जो सरकार के खिलाफ और हिमाचल प्रदेश का जो विषय है उसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। अगर हमारी मांगों को अभी भी ना माना गया भूख हड़ताल के बाद तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आने वाले समय में इसे उग्र आंदोलन करेंगे जिसका खामियाजा भुगतने के लिए प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को भुगतना पड़ेगा।